महाभारत में कहना तो आप कर्ण रहे है ना, कोई अभिमन्यु है, ठीक है ना। आशस्थामा को लाने के लिए तो कहा ही गया था 22 जदयू का। तो समझना चाहते हैं कि पप्पू यादव गए थे सीमांचल को दुरुस्त करने के लिए। पिता तुल्य लालू, भाई के समान तेजस्वी, ये दुश्मनी का कारण क्या है, एकदम यूटर्न हो गया? ये तो गंधारी का इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको, वैसे अब महाभारत में कोई है नहीं ना। अरे ये इतनी जबरदस्त दुश्मनी का कारण क्या हो गया? मैंने क्या कहा महाभारत में कहना तो आप कर्ण रहे है ना, कोई अभिमन्यु है, ठीक है ना। आशस्थामा को लाने के लिए तो कहा ही गया था, तो वो भी नहीं। पप्पू यादव पूर्णिया का अभिमन्यु है सर, आपको लगता है कि मैं अभिमन्यु हूँ? चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की गई सर, अर्जुन को कभी नहीं थे सर, मैं हमेशा मेरी पात्रता अभिमन्यु नहीं, पप्पू यादव अर्जुन है, हमेशा अर्जुन की पात्रता के रूप में मैं रहा हूँ, मेरा लक्ष्य एक ही रहा है और वो लक्ष्य तय है। मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैंने अपने चिंतन से, अपने तरीके से कास्टलेस पॉलिटिक्स एंड नफरत एंड रिलीजन लेस पॉलिटिक्स का एक प्रयास किया जो दिखता है। पहले भी हमें ऐसे ही मिले, जब शरद यादव लालू यादव 32,000-28,000 से चुनाव जीते थे मधेपुरा से, तो लोगों ने हमको 2.5-3 लाख से जिताया, तब भी कास्टलेस थे। हम इसी पूर्णिया में 4.5 लाख से चुनाव, तब भी कास्टलेस थे सर। 4.5 लाख वोट से जीतना, 2.5-3 लाख वोट से जीतना, तो यदि कोरोना में हम एक एक लोगों के पास गए तो कास्टलेस थे। बिल्कुल मैंने देखा। यदि हम बाढ़ में लोगों के पास गए तो कास्टलेस थे। यदि हम दुनिया में किसी की मदद कर रहे हैं तब भी कास्टलेस हैं। हमको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, ना रहेगा। लेकिन राजनीति में जितनी तकलीफें जाती है, उन्माद और नफरत हिंदू मुसलमान इन सब मुद्दों से होती है, उससे अलग हट करके लोग क्या चाहते हैं। और पप्पू या छोड़िए आप उस परिप्रेक्ष्य को, मैं इतने जानता हूँ कि इतना ज़्यादा परेशानी क्यों हुई सबको। नरेंद्र भाई मोदी जी को पहले ही बुला लिया गया फर्स्ट डे। नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारधारा जिनकी भी वोटर की रही हो, वो लगभग वोटर पप्पू यादव के साथ, उसके कारण है सर। एक साधारण सा टिकट कंफर्म के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे या पटना जाएंगे? एक अस्पताल में फ़ोन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और पटना जाएंगे?